सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी लोग यहाँ पे मेरे क्लास को लाइव देख रहे हो या फिर आप लोग रिकॉर्डेड क्लास में देख रहे हो, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। ठीक है, अच्छा, आज के देखो क्लास में जो है हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो करंट अफेयर्स जो हम कवर करने जा रहे हैं आज का, वो द हिंदू से रिलेटेड है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं आज, वो आपके यूपीएससी के मेंस में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं। तो इस कारण क्या हो जाता है, ये टॉपिक आपके क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना यहाँ पे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से। बहुत मज़ेदार सेशन रहेगा और सारी चीज़ों को समझा दूंगी अच्छे से, लाइन बाय लाइन। नोट्स जो है, हैंड रिटन नोट्स है, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। और एट द सेम टाइम जिन लोगों ने भी मेरा क्या कहते हैं टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं बता दूं, मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो है यूपीएससी प्रिपरेशन विथ सुनीता। ठीक है, सो ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको एक और है, एक ये है और दूसरा आप सेम सर्च करके ग्रुप लगा दोगे, ठीक है, तो वो डिस्कशन वाला है। ठीक है, यूपीएससी प्रिपरेशन विद सुनीता ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यू नो, डिस्कशन वाला। तो यहाँ पे मैं जो अभी पढ़ा रही हूँ, इसके नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे आपको सेंड कर दूंगी और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को आज देरी ना करते हुए, आज सबसे पहले द हिंदू का जो आर्टिकल है वहां से मैंने उस आर्टिकल को पिकअप किया है और समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी समझाऊंगी यहाँ पे कि कैसे आपको द हिंदू के न्यूज पेपर से जो है आपको पिकअप करना है, कैसे आपको लेनी है चीजें। ठीक है, कि कौन सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है, किस पेपर से आपके रिलेट करता है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज का देखो, आप अगर द हिंदू का यू नो लास्ट डे का जो अगर आप पेपर देखोगे, तो वहाँ पे एक टॉपिक आया था। टॉपिक क्या था आपका? टॉपिक ये था, ये कि मुइज़ू है सेट्स डेडलाइन फॉर इंडिया टू विथड्रॉ ट्रूप्स। ठीक है, ये सबसे पहली बात की आपकी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जो है कनेक्ट करता है। कहाँ से कनेक्ट करता है? इंटरनेशनल रिलेशन से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मुइज़ू है वो कौन है? वो है आपके मालदीव्स के, ठीक है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट है। अब मालदीव्स इंडिया का, लक्षद्वीप का क्या इशू है, उसको हम अलग क्लास में उसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, वो टॉपिक को अलग से कवर कर लेंगे। लेकिन अब जो है मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या बोला है इंडिया को, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो न्यूज आया था, मुइज़ू सेट्स डेडलाइन फॉर इंडिया टू विथड्रॉ ट्रूप्स। ठीक है, तो ये न्यूज जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, हेडलाइन जो है इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, यहाँ पे किस चीज का डेडलाइन सेट किया गया है ये समझना है। तो जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक डेडलाइन यानी कि आखिरी दिन जो है वो सेट किया है। ठीक है, टू रिमूव इंडियन सोल्जर्स फ्रॉम मालदीव्स टिल 15 मार्च। बोला गया है कि देखो जो 15 मार्च है ना, 15 मार्च है, तब तक यानी कि डेडलाइन दिया गया है, इस दिन से पहले पहले जो इंडियन सोल्जर्स है, इंडियन मिलिट्रीज है, उनको मालदीव्स के जो जगह है जहाँ पे रखा गया है, रहते हैं, एक्चुअली क्यों रहते हैं वो भी समझेंगे, वहां से उस ट्रूप्स को आप लोग हटा दीजिए, ये बोला गया है। ठीक है, अब समझने की बात ये है स्टूडेंट कि जो है मालदीव्स में अगर आप पूछोगे कि मालदीव्स में हमारे इंडियन मिलिट्री क्यों वहां पे है, ठीक है, क्यों है, ये समझने की बात है। तो देखो आपको ये चीज समझना जरूरी है कि इंडिया जो है मालदीव्स को बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है और करते आया भी है। ठीक है स्टूडेंट, करता भी है और करते आया भी है ना। और जो भी लोग क्लास में आए हैं या देख रहे हो क्लास को, प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और जो ये नोट्स है, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, दिख तो रहा होगा आई थिंक प्रॉपरली। और इसके ये जो नोट्स है, इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, वहां पे अच्छे समझ में आएगा। अच्छा देखिए, ये टॉपिक हमने क्यों उठाया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नक्सल्स के बारे में वो भी कवर करेंगे। अब मालदीव, देखो मालदीव में जो इंडियन मिलिट्री है वहां पे उनको ट्रूप किया गया, क्यों? क्योंकि इंडिया से जो है मालदीव जो है बहुत सारे एयरक्राफ्ट को उन्होंने ले रखा है। क्या ले रखा है? एयरक्राफ्ट को ले रखा है। अब आपने कोई एयरक्राफ्ट ले लिया, अब उस एयरक्राफ्ट की देखरेख कैसे करनी है, मेंटेनेंस कैसे करनी है, ये भी चीज़ तो समझना पड़ेगा ना। ठीक है, मेंटेनेंस कैसे करनी है, ये भी चीज़ तो समझना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे इंडियन मिलिट्री को वहाँ पे रखा गया था, सो दैट दे कैन लुक आफ्टर द
थिंग्स, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि भैया देखो हमें अभी जरूरत नहीं है आपके इंडियन सोल्जर्स की, आप यहाँ से हटाओ लेके जाओ, और आप 15 मार्च हम आपको लास्ट डेट देते हैं, आपके सोल्जर्स यहाँ से हट जाने चाहिए। अब देखो मुद्दा ये है कि मालदीव्स और इंडिया का और जो चाइना का इशू जो भी चल रहा है उसको मैं अलग क्लास में आपको अच्छे से समझा दूंगी, लेकिन आपको पता है कि ये सारा इन्फ्लुएंस जो है, जो ये बोली है, ये किसकी बोल रहे हैं, चाइना के साइड से बोल रहे हैं, है ना। दूसरों के जो ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट है, दूसरों के हित में ज्यादा आ गए हैं, ठीक है, इसी वजह से वही बोली बोले जा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो है डेडलाइन दिया है किसने, मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने किसको, इंडियंस को, कि भाई अपना मिलिट्री ट्रूप्स को हटाइए। मालदीव्स प्रो चाइना है, प्रो चाइना मतलब जो ये है चाइना की तरफ इसका झुकाव बहुत ज्यादा है, यानी कि चाइना से जो है इसका फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा है, देखने को मिला है, ठीक है। इसीलिए यहाँ क्या बोला गया है, मालदीव जो है प्रो चाइना है। मुइजू इज एंटी इंडियन पर्सन। देखो ये जो मुइजू जो आदमी है ना, ये पर्सन, ये इतना बिगड़ा हुआ बदतमीज आदमी कह लो, ये जब से प्रेसिडेंट बना पिछले साल से, ये तब से ही लोगों के दिमाग में ये भरता है कि जो इंडिया है हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं करती है, इंडिया से हमें दूर रहना है, इस तरह की चीजें जो है कौन कर रहा है, ये मुइजू जो है प्रेसिडेंट वो करे जा रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून रेणुका। आप सभी लोग बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देखिए हर जगह तो मैं इन्फॉर्म कर ही देती हूँ, लेकिन आप लोग ना 1:30 को क्लास में आया कीजिए, ठीक है, 1:30 को जो है क्लास में आप सभी लोग आया कीजिए, ठीक है। मेरा काम है कि डेडिकेशन वाइज पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, है ना, समझ में आ रहा है। रेणुका कैसे हो आप पहले ये बताइए। तो 1:30 को आप लोग सभी लोग यहाँ पे पहुँच जाया कीजिएगा। 4-5 मिनट अगर लेट पहुँच रही हूँ मैं तो समझ जाइएगा कि कुछ इशू हुआ है, या फिर आने में कभी कभी लाइव क्लास आने में लेट भी हो जाते हैं हम, ठीक है, 4-5 मिनट, तो उसमें आप लोग समझिएगा। रेणुका कैसे हो रेणुका आप, ठीक है। बाकी विराट, नताली, बादल, सचिन, ठीक है, ये सारे कहाँ गए, ओके, बीएडी, मनीषा राज, महक, चिकू, ठीक है, और भी है सलोनी, ठीक है, बहुत से बच्चे आएंगे धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पे जो है मुइजू जो कहता है कि देखो इंडिया जो है अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा काम नहीं करता, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये इंडिया के खिलाफ ही रहा है शुरू से, और वहां के लोगों को भी जो है ये मुइजू जो है इसी तरह की बातें बोलता है, किसको, मालदीव्स के लोगों को, ठीक है स्टूडेंट, ओके रेणुका। चलिए सो पॉसिबिलिटी ऑफ, ठीक है, सो पॉसिबिलिटी ऑफ बैड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स, ये नोट्स में आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगी, पर यहाँ पे चीजों को समझ लीजिए आप लोग। देखो अब क्योंकि इतना ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गया है किसके बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में, बच्चों जब इतना सारा टेंशन क्रिएट हो ही गया है तो क्या आपको लगता है कि अब इंडिया का और मालदीव्स का जो संबंध है वो अच्छा होने वाला है, ठीक। देखो ये मैंने अभी क्या बोला कि ये चाइना प्रो चाइना है ना, चाइना की तरफ झुकाव मालदीव्स का है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। अगर हिंदी में नहीं है, देखो नोट्स ये मेरे नोट्स है, ठीक है, ये इंग्लिश में है, मैं समझा हिंदी में रही हूँ, नोट्स में आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगी। मेन मुद्दा है आपको समझना, इसमें कुछ ऐसा चीज़ नहीं है रेणुका जो लाइक हिंदी में, अगर इंग्लिश में है तो नहीं समझ में आएगा, हिंदी में समझ में आएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ सारी चीज़ें हिंदी में ही समझा रही हूँ, लेक्चर ले लीजिए आप यहाँ पे, उसके बाद आपको मैं नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में भेज दूंगी, तो वहाँ से आप अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है रेणुका। चलिए क्योंकि नोट्स है ना, इसको अभी हिंदी में कैसे करूँ, इंग्लिश में ही लिखा है, ठीक है रेणुका। अच्छा तो देखो अब ये आशंकाएं हमें देखने को मिल रही है कि अब इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो है स्टूडेंट बैड रिलेशन ऑब्वियसली देखने को मिलेगा आगे चल के, किसके बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में। अब देखो मालदीव्स में अगर पूरा पूरा से चाइना का कब्जा हो जाएगा ना, तो ये इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, ये इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए ये मुद्दा जो है थोड़ा सा इतना ज्यादा हाइप भी ले रहा है, ठीक है। अच्छा इंस्टेड ऑफ इंडियन चाइनीज सोल्जर्स, ठीक है, कुड बी प्लेस्ड इन मालदीव्स दैट कुड लेट अटेंशन। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो न्यूज में आया क्यों, ये जो चीज है वो न्यूज में क्यों आया स्टूडेंट, क्योंकि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि भैया आप हटा दो यहाँ से, है ना, आप यहाँ से जो है हटा दो अपने ट्रूप्स को, अपने सोल्जर्स को, ठीक है, इसीलिए तो न्यूज में आया ना। लेकिन इंडियन सोल्जर्स को हटा के यहाँ पे मालदीव्स क्या करना चाह रहा है, चाइनीज जो सोल्जर है ना उनको कहीं ना कहीं चाइनीज सोल्जर्स को वो रखेगा वहां पे, ये आशंकाएं भी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है स्टूडेंट्स।
चलिए उसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक, ये टॉपिक हमने समझ लिया मालदीव चाइना इंडिया का, जो न्यूज में आपके द हिंदू के पेपर में आया था, जो कि जीएस पेपर 2 यानी कि पॉलिटी के इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने आपको पूरा पूरा समझा दिया। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट। आप पूछोगे इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है देखो, क्योंकि जो ये आपका टॉपिक है ना, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ, रुक जाइए, मैंने उसके जो क्वेश्चन है मैं आपको पुट ऑन कर दूंगी। ठीक है, 2015, 2018 और 2020 तीनों में पूछा गया है, कौन सा टॉपिक है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना स्टूडेंट। चलो अब आप लोग मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों ने नक्सल्स टेररिज्म ये वर्ड सुना है ना? बिल्कुल सुना ही होगा, हर एक बच्चा ने सुना ही होगा कि नक्सल्स कौन होते हैं, माओइस्ट कौन होते हैं, है ना, ये सब तो आपने सुना होगा कभी ना कभी, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां भी आपने देखा होगा कि क्या है। हाँ बादल वेलकम टू द क्लास बेटा, कैसे हो? ठीक है, यहाँ जो हैंड नोट्स है ना ये मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखो नक्सल्स पे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, मैंने अभी भी दिखाया आपको, 2015 में भी नक्सल्स के बारे में पूछे गए हैं मेंस में, 2018 में भी पूछे गए हैं और 2020 में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में भी पूछा जाए, क्योंकि ये न्यूज में आया है, द हिंदू के पेपर के न्यूज में आया है। बादल कैसे हो बेटा? ठीक है, न्यूज में आया है इसीलिए क्या बन गया, ये इंपॉर्टेंट बन गया। अब देखो न्यूज में टॉपिक क्या आया था कि वुमेन कमांडर्स टेक मस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक है ये टॉपिक था। तो यहाँ पे हमने टॉपिक में पढ़ा तो हमें क्या देखने को मिला कि जो वुमेन कमांडर है, ठीक है, वुमेन जो सोल्जर्स कह लो, मिलिट्रीज है जिनको ट्रेंड किया गया है, एकदम मैं भी बढ़िया एकदम बिल्कुल मस्त, आप सभी लोग बच्चे ना 130 को आ जाया कीजिए, ठीक है 130 को आ जाया कीजिए आप लोग सभी लोग, मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोग क्लास में 130 को प्रेजेंट हुआ कीजिए। देखो 5-6 मिनट लेट हो सकते हैं, कभी कभी लाइव क्लास लेने में टाइम लग जाता है, पर आप लोग वेट किया कीजिए, जिस दिन क्लास नहीं होगा ना मैं खुद ही इन्फॉर्म कर दूंगी, इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे सब जगह मैं बता दूंगी, अगर मेरा ऐसा कुछ मैसेज नहीं आ रहा दैट मीन्स क्लास है। ठीक है, जिस दिन क्लास नहीं होगा मैं खुद ही बता दिया करूंगी, ओके स्टूडेंट। अभी तक तो विराट भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, अब देखो वुमेन कमांडर्स टेक मॉइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड, यानी कि देखो मॉइस्ट जो है, मॉइस्ट कौन है, ठीक है, अरे 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 क्या, ठीक है, ये एक तरह से नक्सल्स है, टेररिस्ट है ना, टेररिस्ट है। अब क्या ये न्यूज में क्यों आया, कुछ वुमेन कमांडर्स जो है वो उनको ट्रेंड किया गया टू फाइट अगेंस्ट द मॉइस्ट, यानी कि नक्सल्स जो है, नक्सल्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए उनको खड़ा किया गया, ये न्यूज में आया था। ठीक है, हमने पढ़ लिया न्यूज, क्या क्या कैसे ट्रेनिंग दी गई, कैसे इनको खड़ा किया गया, कैसे स्ट्रांगली ये लोग खड़े हैं, ये हमने पढ़ लिया। क्या ये यूपीएससी पूछेगी आपसे कि कौन कौन था, कौन कौन कैसे ट्रेन की, नहीं पूछेगी आपसे, क्या पूछेगी कि मॉइस्ट क्या है, टेररिज्म क्या है, नक्सल्स क्या है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों साल लगातार इन टॉपिक पे पूछा गया, नक्सल्स पे। अच्छा मुस्कान, संध्या, ओके संध्या हाउ आर यू बेटा, कैसे हो आप? ठीक है, सभी बच्चे ना 130 को आप लोग प्रेजेंट हो जाया कीजिए यहाँ पे क्लास में, और जिस दिन क्लास नहीं होगी मैं खुद ही बता दिया करूंगी। ठीक है, और जिस दिन क्लास का मैसेज नहीं आ रहा है तो आप लोग आ जाया कीजिए, वैसे तो मैं स्टेटस वगैरह लगा ही देती हूँ, है ना। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल हियर मुस्कान। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम समझेंगे कि ये मॉइस्ट क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, मॉइस्ट क्या है, नक्सल्स क्या है। ठीक है, इसको बार बार यूपीएससी के पेपर में पूछा गया है, तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल देने जा रही हूँ। आप इस डिटेल को चाहे तो लिख भी सकते हैं, इसके पीडीएफ को मैं आपको यू नो टेलीग्राम पे सेंड भी कर दूंगी स्टूडेंट। ठीक है, बादल संध्या रेणुका जो भी लोग मुझे क्लास को देख रहे हैं अभी सबको कह रही हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसको हम लोग LWE बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये जो नक्सल्स है, देखो ये क्या है, टेररिस्ट है, क्या क्या है, क्या है, टेररिस्ट है, नक्सल्स है ना। अब मुझे कोई बता सकते हैं कि यहाँ महक कहाँ है ना, कोई बता सकता है कि जो नक्सल्स है उनका बर्थ ओरिजिनेशन कहाँ से देखने को मिलता है, कोई बता सकता है कि नक्सल्स की शुरुआत कहाँ से हुई, कैन एनीवन टेल?
क्या यहाँ पे कोई बता सकता है कि नक्सल्स की जो शुरुआत है ओरिजिनेशन इंडिया से हुई बेटा? इंडिया से कौन से जगह से, कौन सी जगह से, कोई बता सकते हैं इंडिया में कौन से जगह से? ठीक है मैं बता दूं, देखिए स्टूडेंट इंडिया में जो है बेसिकली ये एमपी नहीं, देखो वेस्ट बंगाल जो है ना वहां से नक्सलबाड़ी एक जगह है, मतलब वो नक्सलबाड़ी बाद में उसको जगह दे दिया गया, नाम उसको दे दिया गया नक्सलबाड़ी, ठीक है। बेसिकली ये आपको वेस्ट बंगाल से जनरेट होते हुए देखने को मिलेंगे। अब जो यहाँ पे जितने भी नोट्स हैं आपके मेंस के लिए ना पूरा पूरा, यानी कि अगर आपके मेंस में इससे कुछ भी पूछा जा रहा है आपको पूरा नोट्स ही दे दे रही हूँ कि कहीं से भी घुमा के जाए पूछा जाए, ये नोट्स आपको पूरा हेल्प करेगा। क्या है, क्यों है, प्रेजेंस क्या है, इस ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या किया, कितना परसेंट ये रुक चुका है, मतलब कि मैं आपको ये यहाँ से पूरा मेंस का आंसर दे रही हूँ, ठीक है। हाँ वेस्ट बंगाल में घर है, ओके। वेस्ट बंगाल से हूँ मैं, मंचू। मंचू कैसे हो मंचू, वेलकम टू द क्लास, आज तो बता दो आप कौन हो, ठीक है। चलो सभी बच्चे देखिए क्लास में रहेंगे तो मिलेगा नॉलेज, नहीं रहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप लोग अपना काम कीजिए। नमस्ते बेटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मेंस के लिए जो आपको मटेरियल चाहिए ना, कि पहले आपको बताना होता है ना कि इसका पास्ट क्या है, ठीक है, अबाउट यानी कि इसके बारे में, और ये न्यूज में क्यों आया, इसकी प्रेजेंस किस हद तक है, कहाँ कहाँ कौन से जगह पे देखने को मिलता है, इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, क्यों, क्या कारण है नक्सलवाद के इतने ज्यादा होने के, ठीक है, और हमने क्या क्या सॉल्यूशन लेके आए, तो पूरा आंसर आपका मेंस का मैं पूरा यहाँ पे अलॉट कर रही हूँ, पूरा आंसर दे रही हूँ मैं आपको, क्यों, क्योंकि ये न्यूज में आया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज नॉन एज लेफ्ट विंग टेररिज्म। बेसिकली क्या है ये, एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, रेडिकल लेफ्ट विंग, ठीक है, मूवमेंट रेफर्स टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड ग्रुप्स दैट एडवोकेट्स फॉर सिग्निफिकेंट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज थ्रू रिवोल्यूशनरी मीन्स। इसका मतलब मैं हिंदी में समझाती हूँ आपको, एक सेकेंड रुक जाइए, देखिए, हाँ लेट मी टेक दिस पेन। देखिए बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि ये जो LWE है या फिर किसी भी टेररिज्म के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसे ग्रुप है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये एक ऐसे ग्रुप है जो अपने आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी के, अपने थॉट प्रोसेस को लेकर चलते हैं, अपने लॉ को लेकर चलते हैं। इनका लॉ जो बेसिकली है वो सरकार के खिलाफ रहता है, ठीक है। इनकी आइडियोलॉजी होती है कि भैया जो ये गवर्नमेंट है हमारे लिए कुछ नहीं करती है, ये गवर्नमेंट को एक तरह से एनिमी की तरह, दुश्मन की तरह देखते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, ये गवर्नमेंट को कैसे देखते हैं, दुश्मन की तरह देखते हैं, ठीक है। बादल, मंचू, रेणुका, मुस्कान यानी कि संध्या, ठीक है, एनिमी की तरह देखते हैं। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए बेसिकली कुछ नहीं कर रही है, हमारी दुश्मन है, और हमें अगर अपने आप को आगे रखना है या अपनी जिंदगी, अपने लिए कुछ अच्छा करना है तो हमें अपने लॉ के हिसाब से चलना होगा। ये आइडियोलॉजी है वो लोगों के अंदर डालती है, किसके अंदर, पीपल के अंदर, पीपल भी इस चीज के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, क्यों, कारण क्या है, इसके बहुत से कारण है बच्चों, अभी मैं वो कारण भी आपको बताऊंगी, ठीक है, अभी मैं कारण भी बताऊंगी। सबसे बड़ा कारण तो आप ले लो एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या राइट्स हैं, क्या उनको अधिकार दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से, क्या स्कीम्स लेके आए गए हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। अब जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आपका तो फायदा कोई भी उठाएगा, आपको जो समझाएगा लोग वही आपको समझ में आएगा। तो ये टेररिज्म जो है वो बेसिकली यही काम करते हैं, लोगों के माइंड के साथ खेलते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, अगेंस्ट हो, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है स्टूडेंट। और वो कहते हैं कि देखो गवर्नमेंट तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, जो कर सकते हैं हम कर सकते हैं, बेस्ट है कि आप हमारी आइडियोलॉजी को यानी कि हमारी सोच या सोच प्रथा को आप अपना लो, आप फायदे में रहोगे, इस तरह की चीजें जो है ये लोगों के अंदर डालते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा उसके बाद देखिए लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, ओके लेट मी चेंज द कलर,
क्या हो गया, कलर ही नहीं आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए, मुझे कलर चेंज करने दीजिए। लेट मी टेक द कलर स्टूडेंट। हाँ, अब देखिए लेफ्ट विंग ग्रुप जो है टारगेट्स गवर्नमेंट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और प्राइवेट प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जो बेसिकली टेररिज्म होता है, टेररिस्ट होते हैं, वो किसको टारगेट करते हैं? अभी मैंने बताया ना आपको, वो गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, ठीक है, पुलिस को टारगेट करते हैं, यानी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट करते हैं, पुलिस को चुनौती देते हैं। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करिए। हाँ विराट, वेलकम टू द क्लास, कैसे हो विराट? और खूब खुश रहो, तरक्की करो, जल्दी से अफसर बन जाओ। मैं ये कह रही हूँ कि इतने लेट क्यों हुए आप लोग? मैम आपका कॉलर ट्यून एक नंबर है। अच्छा हाँ, ओके ओके, थैंक यू। अरे मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि वहाँ भी सुनाई दे रहा होगा, है ना। चलो मैंने साइलेंट कर लिया, क्योंकि डिस्टर्ब होता है ना बच्चों को भी पढ़ते वक्त, इसीलिए। लेकिन अच्छा है ना बादल, हाँ चलो। और कल मैंने प्रॉमिस किया था ना परसों, तो मैंने लिंक वो टेलीग्राम का लिंक भी बना दिया है, आप लोग सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और मैं क्वेश्चन दूंगी ना, आप लोग मेंस का आंसर राइटिंग थोड़ा प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है। मेंस की जो आंसर राइटिंग है प्रैक्टिस करके लिख के उस ग्रुप में भेजा कीजिए, ठीक है, लिख के उस ग्रुप में भेजा कीजिए। उसके बाद में मैं रिव्यू कर दूंगी, या बाकी बच्चे हैं वो भी रिव्यू कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो उससे आपका बहुत फायदा होगा, एटलीस्ट एक दिन में एक आंसर लिखा कीजिए, कोशिश कीजिए। और ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये तुम लिख के ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार 3 साल पूछा गया है मेंस में, ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा मेंस का आंसर ही मैं आपको सारी चीजें दे रही हूँ, तैयार, एकदम तैयार, ठीक है। आज सब लोग कहाँ है पता नहीं। देखो बच्चों मैं यही कह रही हूँ, सबको बता तो दिया है, 1:30 को आप लोग ना आ जाया कीजिए। अगर कभी क्लास नहीं होगा तो मैं वो खुद इन्फॉर्म करूंगी, लेकिन आप लोग आ जाया कीजिए, ठीक है। वैसे मैं सब जगह मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है, लिंक भी शेयर कर दिया है मैंने, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो किसको टारगेट करती है? सरकार को, पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चुनौती देती है। जैसे अपने अलग अलग मूवीज आते हैं ना, जैसे सूर्यवंशी मूवी है, देखते हैं ना जो टेररिस्ट होते, कहते हम एडमिनिस्ट्रेशन को चुनौती दे रहे हैं, हम सरकार को चुनौती दे रहे हैं। अभी आया था ना क्या पठान मूवी, पठान है ना, हाँ ऐसे ही कुछ है ना शाहरुख खान का, जिसमें वो भी सरकार को जो है चुनौती देते, बट वो टेररिस्ट नहीं होता है, वो लोगों के हित के लिए ही काम करता है। तो इस तरह से चीजें होती हैं, ठीक है। LWE मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन 1967 इन नक्सलबाड़ी वेस्ट बंगाल। देखो मैंने अभी बताया ना कि जो नक्सलबाड़ी यानी कि नक्सल जो है, LWE यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो बोला जाता है जिनको, वो जो है आपको कहां से ओरिजिनेट हुए, ये वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल बेसिकली कहां, नक्सलबाड़ी, नक्सलबाड़ी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहीं से ये चीज शुरुआत हुई, ठीक है। अब हम समझेंगे बच्चों की जो ये नक्सलबाड़ी है, ये जो LWE है, पूरे कंट्री में कहां कहां पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है कहां कहां पे। देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहते हैं कि लगभग 90 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि 10 स्टेट में, कितने, 10 राज्य में, यहां देखिए 10 राज्य में, ठीक है, 90 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये नक्सल्स यानी कि LWE फैले हुए हैं, ठीक है। विराट, बादल, रेणुका, मंचु, ओके एवरीवन, जो भी है क्लास में, ठीक है चलिए। तो ये जो है यहाँ पे 10 राज्य के अंदर, टोटल 90 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये लोग फैले हुए हैं, ठीक है। स्टेट्स, अब स्टेट्स की बात करें तो कौन कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा टेररिस्ट है, ओके रेणुका एंड विराट, ठीक है। देखो आंध्र प्रदेश में जो है, कहाँ चला गया, हाँ आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, बिहार में, छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज्यादा, झारखंड में भी, केरला में भी बहुत ज्यादा है, MP, महाराष्ट्र, ओडिशा में भी, ठीक है, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ये सारे जगह जो है यहाँ पे आपको नक्सलबाड़ी यानी कि LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, मतलब कि इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम में एक मेंस का क्वेश्चन दूंगी, आप लोग आंसर लिखने की कोशिश कीजिए और वहां पे फोटो खींच के भेजना, ठीक है, बाकी लोग भी रिव्यू कर देंगे। और MCQ जो होता है ना, MCQ टेस्ट सीरीज,
उसके भी पीडीएफ बना के दिया करूंगी, आप लोग अपने अपने आंसर्स जो है लिख लिख के वहां पे सेंड करना, ठीक है बच्चों? ऐसे आपका प्रैक्टिस भी होते जाएगा, बाकी बातचीत करना हो तो बातचीत भी करना, लेकिन पढ़ाई के मोटिव से खोला है वो लिंक तो पढ़ाई होनी चाहिए। नताली, मनीषा, महक, कंचन, सुमित, बीएडी, ये सभी लोग कहाँ हैं? पता नहीं ये सभी लोग कहाँ हैं, सबको तो भेज दिया है लिंक, सोचो पर्सनली भी देती हूँ मैं, ठीक है? स्टेटस लगा दिया, पता नहीं अभी भेजा है। अच्छा कल आज से ना मैं क्लास शेड्यूल भी कर दूंगी, ठीक है? एक्चुअली पता है मैंने क्लास शेड्यूल क्यों नहीं किया? क्लास शेड्यूल मैंने इसलिए नहीं किया स्टूडेंट, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हुआ उस दिन जब मैंने शेड्यूलिंग क्लास से क्लास स्टार्ट की तो अलग इमेज आने लगा, मतलब कि अलग थंबनेल आ गया, अलग टाइटल आ गया, इसकी वजह से मैंने नहीं किया, ठीक है? बट यहीं है मैम। अरे आप यहीं पे हो पर दिखी तो नहीं आप, नताशा, ठीक है? तो इस कारण से मैंने शेड्यूल नहीं किया था क्लास, लेकिन आज से कर दूंगी। लेकिन मेरे साथ उस दिन गड़बड़ हो गया, मैं ले रही थी पॉलिटी का क्लास और थंबनेल और क्या कहते हैं और क्या टाइटल जो है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट करंट अफेयर्स का डल गया, तो इसी वजह से मैंने शेड्यूलिंग से नहीं लिया क्लास, नहीं शेड्यूल किया, बट आज से कर दूंगी मैं, ठीक है? ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे जगह में जो है नक्सल्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है? नताली अब बहुत लेट आई, क्यों? ठीक है, तो प्रॉपर आपको मेंस के लिए जो आंसर चाहिए बच्चों, मतलब नक्सल बाड़ी पे लिखने के लिए, वो मैंने पूरा पूरा प्रोवाइड करवा रही हूँ यहाँ पे, कि अगर कहीं से भी घुमा के आपसे पूछा जाएगा ना तो ये सारी चीजें आप वहां पे लिख सकते हो, ठीक है? आगे और क्या क्या चीजें हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या ये लोग करते हैं, वो चीजें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, और मैंने अभी बताया आपको 2015, ठीक है, 18 और 20 तीनों में आपसे नक्सल्स के बारे में मेंस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आने वाले टाइम पे भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये परसों ही आपके न्यूज में आया हुआ है दोबारा, द हिंदू पेपर में दोबारा आया हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा करंट अफेयर्स में ये पढ़ा देती हूँ, ठीक है? चलिए अब रीजंस बिहाइंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, क्या कारण है आपके हिसाब से, क्या कारण है ये टेररिस्ट का जन्म लेने का, ठीक है, ये नक्सलवादी के आने का, टिकने का क्या कारण है, क्या कारण है लोगों के बीच इतने फैलने का, या लोग इसको ज्वाइन करते हैं, क्या कारण हो सकता है? इसके बहुत से कारण है, और कारण देखोगे तो सबसे बड़ी आप चीज देखोगे तो गैप है। क्या चीज? गैप, अलगाव। और वो अलगाव किस चीज का है, वो सारा चीज मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। नोट्स इंग्लिश में है, मैं सारी चीजें हिंदी में बोल रही हूँ आपको, जब मैं नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे दे दूंगी ना, नया जो कल मैंने ग्रुप बनाया है वहां पे भी दे दूंगी, तो आप लोग नोट्स अपने हिसाब से बना लेना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है मैंने, और कुछ समझ में ना आए तो लेक्चर आके अटेंड कर लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए ओके, अभी देखिए इनइक्विटेबल डेवलपमेंट, सबसे बड़ा कारण क्या देखा गया, डेवलपमेंट, लैक ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसकी कमी देखी गई। आप उड़ीसा में भी जाओ, ठीक है, झारखंड में जाओ, ठीक है, जो अनडेवलप्ड जगह है क्या है, बिहार में जाओ, जो जगह डेवलप्ड नहीं है, जो जगह डेवलप्ड नहीं है वहीं पे नक्सल्स के जो है ना ग्रुप, आपको संगठन ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है बच्चों? चलो ये पहला कारण हमने देखा। अच्छा, इसके अंदर मेनी ऑफ द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज आर अमंग लीस्ट डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री विद हाई लेवल्स ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ठीक है, माल न्यूट्रिशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। ये कारण है, इसका मैं एक एक करके समझा देती हूँ। सबसे पहला कारण आपको बताया गया है कि कंट्री में पॉवर्टी यानी कि गरीबी का होना, बच्चों किसका होना, गरीबी, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, हाँ सभी लोग प्रेजेंट लगवा दो, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के लिए क्लास है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिलहाल जो पढ़ा रही हूँ वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है? ओके, यहाँ पे मंचू, विराट, नताली, बादल कहाँ है, रेणुका बादल, और मनीषा राज, महक, सलोनी, संध्या तो है ना, संध्या भी आई थी, इज इट संध्या मुस्कान नाम से, हाँ संध्या, संध्या हो बेटा, हाँ इस तरह से जैसे मंचू बोल रही है वैसे आप लोग भी एड ऑन करो, जब आप लोग भी सोचोगे एड ऑन करोगे तो दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक रहता है बच्चों, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट, चलिए नंबर वन पॉइंट, नक्सल्स के होने के, यानी कि नक्सल्स इतने ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, क्या कारण है? नंबर वन,
कि जो अनडेवलप्ड, जो जगह डेवलप्ड नहीं है वहां पे ये चीजें देखने को मिली। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा है बच्चों। मैम जी इतना प्रयास करती है पढ़ाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ठीक है, मैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए पढ़ा रही हूँ ना, तो आप लोग ही अगर क्लास नहीं अटेंड करोगे तो कैसे चलेगा। इसीलिए थोड़ा कंटिन्यूटी को मेंटेन कीजिए, 1:30 बजे आप लोग आया कीजिए। जिस दिन क्लास नहीं होगी ना बच्चों, मैं खुद ही बता दूंगी, अगर मेरा वैसा कुछ मैसेज नहीं आ रहा है मतलब क्लास है। ठीक है, कल रिकाज भी मेरे को मैसेज कर रहा था। ठीक है, बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे जाके, मैम क्लास हो गया क्या? ठीक है, तो क्लास आपका 1:30 बजे होता है। ठीक है, ओके। और दूसरा रीजन देखिए बच्चों, दूसरा रीजन क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जॉब की कमी, यानी कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोगों को काम काज करने के लिए काम ही नहीं है, क्या करें? अब जब काम नहीं मिलता है, ये सारी सिचुएशन है, तो उनका भड़क किस पे रहता है? सरकार पे रहता है। और इसी का फायदा उठाते हैं ये नक्सल्स, उनके दिमाग में ये भरते हैं कि देखा, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, अगर तुम्हें अपने जीवन का कोई मकसद है तो इन गवर्नमेंट से लड़ो और अपने हक को मांगो। इसीलिए क्या करती है, ये सारे रीजन के कारण लोग भी मजबूर हो जाते हैं नक्सल्स को एड ऑन करने के लिए। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा कारण देखिए, इलिटरेसी। इलिटरेसी देखो बच्चों, लिटरेसी, ठीक है, यानी कि पढ़ाई ना होना, पढ़ाई की, एजुकेशन की कमी होना, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों तक एजुकेशन अच्छे से मिल ही नहीं रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो, यहाँ पे देखो स्कूल्स वगैरह जो होते हैं ना बच्चों, स्कूल्स वगैरह वो अच्छे अच्छे स्कूल्स है ही नहीं। ठीक है, बच्चे पढ़ने ही नहीं जा रहे। ठीक है, ये सारे कारण है जिसके कारण से क्या हो रहा है कि नक्सलवादी बढ़ते हैं। उसके बाद अगला कारण देखिए, माल न्यूट्रिशन। जब कमाई नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो खाना अच्छा नहीं होगा, जब खाना अच्छा नहीं होगा तो कमजोरी होगी, लैक ऑफ हेल्थ इश्यूज। ठीक है, ठीक है, लैक ऑफ हेल्थ इश्यूज नहीं होगा, हेल्थ इश्यूज होगा बेटा। ठीक है, लैक ऑफ हेल्थ इश्यूज से हो जाएगा कि हेल्थ इशू की कमी, यानी कि हेल्थ इशूज ज्यादा होते हैं। मेल न्यूट्रिशन, बहुत अच्छा पॉइंट बोलने की, आप क्या बोलना चाहते हो मैं समझ गई मानचू। ठीक है, यहाँ पे देखो हेल्थ इशूज जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, हेल्थ इशूज जो है वो बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आपका खाना पीना, आपका डाइट अच्छा नहीं होगा तो आप तो बीमार पड़ोगे। तो ये सारे कारण दिखाए गए हैं जिसके वजह से क्या है, इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हो। हिंदी मीडियम वाले, जब मैं PDF भेज दूंगी तो हिंदी मीडियम से मेरे जो भी बच्चे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, यहाँ पे आप चीजों को अच्छे से एलोकेट करके लिख लेना। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ गई वैसे आप क्या बोलना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये सारे कारण है बच्चों, आप लोग देख लो ध्यान से। ठीक है, समझ में आया? अगर आपसे ये मेंस में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, पूरा पूरा नोट्स दे रही हूँ मैं अच्छे से प्रॉपर, और ये क्योंकि न्यूज में परसों आया है इसीलिए दोबारा इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज कौन कौन नहीं पढ़ता, न्यूज प्लीज पढ़ा कीजिए। ठीक है बच्चों, ओके, तो सभी लोग है ना? ठीक है, BAD भी अभी नहीं आया, एक मिनट रुक जाइए, काम नहीं कर रहा है, स्लो हो जाता है कभी कभी लैपटॉप, है ना? ठीक है, पर कोई बात नहीं है। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट, ये हमने पढ़ लिया, गवर्नमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऐसा बोला जाता है, लोगों के मन में डाला जाता है कि देखो जो सरकार है वो अच्छी नहीं है, वो हमारे लिए काम नहीं करती। ठीक है, हमारे लिए काम नहीं करती, तो क्या बोला जाता है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सरकार है वो अच्छी नहीं है, ये लोगों के दिमाग में डाला जाता है। ठीक है, नक्सल्स थॉट बाउंड पीपल टू एक्सेप्ट देयर आइडियोलॉजी, ठीक है, आर्म्स एंड प्रोवाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, लोगों को ये बाउंड करते हैं, मजबूर करते हैं कि आप हमारे आइडियोलॉजी को, हमारे कानून को, लॉ को समझो, फॉलो करो। ठीक है, दूसरा क्या बोलते हैं कि सरकार जो है आपका वो है, दुश्मन है। तीसरा, ये लोग आर्म्स जो, हथियार जो है, हथियार पकड़ा देते हैं। अब लोग भी क्या करते हैं, मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं होता है। तो यही गैप है, उसी गैप की मैं बात कर रही थी, यही गैप है सरकार और वो अनडेवलप्ड लोगों के बीच में, जो गैप भरने की जरूरत है। जब गैप भर जाएगा बच्चों, तो लोग भी पढ़ने लगेंगे, लिखने लगेंगे, और जब गवर्नमेंट से कनेक्टेड फील करेंगे तो नक्सलवादी के अंदर घुसेंगे ही नहीं। समझ में आया स्टूडेंट? तो कल को अगर आप लोग भी IAS IPS बन जाओगे तो आपको भी इसी चीज पे थोड़ा ध्यान देना है कि वो गैप जो है, उस गैप को आप लोग खत्म कर पाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे देखिए बादल है और सलोनी, सभी बच्चे देखिए यहाँ पे,
गवर्नमेंट डेफिसिट, देखो गवर्नमेंट की कमी देखने को मिली। अब देखो मैंने एक बार न्यूज में पढ़ा था, आप उड़ीसा के साइड में जाओगे ना तो जो टाउन होता है ना बच्चों, टाउन टाउन से जो है जो लोग है यानी कि विलेज है वो इतना दूर है कि मतलब क्या ही बोले, कनेक्शन इज नॉट गुड बिटवीन द टाउन एंड द विलेज। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये कनेक्शन भी नहीं है लोगों के बीच में, तो ये सारी कमी है। LWE सफर फ्रॉम लैक ऑफ, देखो डेफिसिट, ठीक है ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस सर्विस डिलीवरी, ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस लाइक वीक और करप्शन, ठीक है, तो ये सारी कमी है। ठीक है, कमी है जिसके कारण से क्या होता है, ये गवर्नमेंट की एक आपको कहीं बादल, अच्छा ठीक है, ये सारी कमी है जिसके कारण जो फायदा कौन उठा रहा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार इस पे, बाद में सरकार ने इस पे काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है, इस कमी को फिलअप करने के लिए सरकार ने काम भी किया है। कौन से काम किए हैं उसको भी हम समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, देखो मोर वायलेंस यूज टू रिमूव गवर्नमेंट्स वर्क्स पंचायत एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे देखो गवर्नमेंट का जो काम है, ठीक है, जो भी चीजें हैं, पुलिस है या पंचायत है, मतलब ये चाहते ही नहीं है नक्सल्स कि जो गवर्नमेंट है उनका उनसे लोग जो है जुड़े, क्योंकि लोग जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, नक्सल्स के अगेंस्ट हो जाएंगे, LWE के अगेंस्ट हो जाएंगे। इसीलिए अब पूछा गया है वेयर फ्रॉम दिस नक्सल्स कैम फ्रॉम, ये नक्सल जो है बेसिकली आए कहाँ से, ठीक है, कहाँ से आए हैं, वेयर फ्रॉम दे कैम, सवाल ये उठता है कहाँ से आए। तो देखिए दे गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम टीचिंग्स ऑफ माओ जेडोंग द चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर एंड नक्सलबारी अपराइजिंग ऑफ 1967 विच वॉज लेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, आपने ये बार बार न्यूज में मल्टीपल टाइम्स आते हैं, मल्टीपल टाइम्स अगर आप लोग न्यूज पढ़ते होंगे तो ये टॉपिक बार 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 आते रहता है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोला गया है कि देखो अगर इसका रियल ओरिजिनेशन देखोगे तो इसका जो रियल ओरिजिनेशन है चाइना से है, जैसे कोरोना है ना, कोरोना कहाँ से आया, चाइना से। अब तो एक नया डिजीज आ रहा है, न्यूज में आपने पढ़ा होगा डिजीज एक्स एक नया वेरिएंट आ रहा है जो कि कोरोना से जो है कितना 20 गुना ज्यादा खतरनाक है ना, 20 गुना ही है ना, नताली मंचू विराट बादल सलोनी रेणुका, ठीक है ओके, ये इतना खतरनाक है। तो ये चाइनीज जो है, ये नक्सलबारी भी अगर आप देखोगे तो इसका मेन ओरिजिनेशन जो है वो चाइना से ही है, उनके लीडर जो है चाइनीज कम्युनिटीज कम्युनिस्ट लीडर जो है, ठीक है, तो इनसे ही कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस यानी कि इंस्पायर हुए। ठीक है, इंस्पायर हुए, तो यहाँ पे आप देखोगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको CPI बोला जाता है, बार बार ये न्यूज में आते हैं, ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है ये महान व्यक्ति से। ये गधे लोगों को भी कोई काम नहीं है, इनको लगता है कि चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है, इनके जो नक्सल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, राधे राधे महक, ओके ठीक है रेणुका। और चीकू कहाँ रहती है, लापता चीकू सिर्फ इंस्टाग्राम पे बात करेगी, बाकी क्लास के टाइम पे कहाँ रहती है चीकू। ठीक है स्टूडेंट, ओके, और बाकी सभी लोग ना टेलीग्राम वाला न्यू ग्रुप जो है डिस्कशन ग्रुप उसको ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे पोल वगैरह भी भेजती रहूंगी, क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज के मेंस के एक क्वेश्चन भेजा करूंगी। आप लोग लिखने का हैबिट डालिए, शुरू में ही एकदम बेस्ट नहीं लिख दोगे, लिखते लिखते आपका जो हैबिट ग्रो होगा और आपको पता चलेगा कि लिखना कैसे है। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून BAD, कैसे हो आप? आप सभी लोग ना 1:30 बजे आ जाया कीजिए, ठीक है, जिस दिन क्लास नहीं होगी बच्चों मैं उस दिन खुद बोलूंगी, ठीक है, खुद बोलूंगी, ठीक है ना। राधे राधे कैसे हो BAD, अच्छा चलिए सभी लोग सभी बच्चे मेरे तरफ से समोसा खा लीजिए। और हाँ आप लोग जो है रेगुलरली कंसिस्टेंसी को प्लीज मेंटेन रखिएगा, ठीक है ओके। तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा कि जो नक्सलबाड़ी है बेसिकली, जो नक्सल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, LWE के बारे में, वो बेसिकली कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए, चाइना से, चाइना के जो कम्युनिस्ट लीडर है वहां से इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिमूव दिस नक्सल्स। ठीक है, बोला गया कि देखो सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए गए इस नक्सल्स को हटाने के लिए। दूसरा मैं आपको ना और एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, 95% इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए अगर कोई भी दे रहा है तो।
अभी जो अवार्ड्स मिल रहे हैं ना, अर्जुना अवार्ड्स वगैरह प्रेसिडेंट जी हमारी दे रही है। क्लास टाइमिंग 1:30 है क्या? यस बीएडी 1:30 है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का, और हिस्ट्री मैंने छोड़ा नहीं है स्टूडेंट, हिस्ट्री भी फिर करेंगे, थोड़ा मिक्स करके करेंगे, हिस्ट्री भी मैं कवर करवाती रहूंगी, थोड़ा करंट अफेयर्स भी जरूरी है। ठीक है, तो अवार्ड्स जो है ना बच्चों, भारत रत्न अवार्ड्स, अर्जुना अवार्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स मिल रहे हैं सबको, तो वो इंपॉर्टेंट है, अवार्ड्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो उसको भी हम कवर अप करेंगे, डोंट वरी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्टेप्स लेती है नो डाउट नक्सल्स को रोकने के लिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे CAPFS। ठीक है, ये क्या है? देखो CAPF जो है, PF जो है, CAPFS, इसके एग्जामिनेशन जो है वो भी UPSC ही कंडक्ट करवाती है। ये इनको बेसिकली डिप्लॉय किया जाता है, ये जो है आर्मी होते हैं, ठीक है, डिप्लॉयड इन अफेक्टेड एरियाज एंड स्ट्रेंथेन पुलिस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इनको डिप्लॉय किया जाता है कि भैया आप जाओ, किसको? CAPFS को। ठीक है, इनको डिप्लॉय किया जाता है कि भैया आप जाओ नक्सल्स के खिलाफ अच्छे से लड़ो, रोको, ठीक हो, ठीक है, फाइट करो, किसको? CAPFS के द्वारा। ये एक इनिशिएशन है किसके थ्रू? सरकार के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस, आर्म पुलिस फोर्स। ठीक है, तो ये आपको क्या है, एक मिनट रुक जाओ, इसकी एग्जाम भी, इसके एग्जामिनेशन भी होते हैं, अगर आप चाहो तो अटेंड कर सकते हो, UPSC ही कंडक्ट करवाती है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, देखो तो यहाँ पे पुलिस सिस्टम जो है उनको और स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए इनको लाया गया कि भैया आप जो है नक्सल्स के खिलाफ अच्छे से फाइट कीजिए, उनको रोकिए। ठीक है, तो कोई जो गैप है, जिस गैप के बारे में मैं कह रही थी, उस गैप को जो है फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट पूरा कोशिश कर रही है, और बहुत सालों से करती आ रही है, और बहुत हद तक नक्सल्स जो है रिमूव भी कर दिया गया है। कितने हद तक रिमूव किया है वो सारा डाटा मैं आपको दूंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू द स्टेट फॉर मॉडर्नाइजिंग देयर पुलिस पुलिस फोर्सेस इंप्रूविंग इंटेलिजेंस एंड गैदरिंग्स। बोला कि देखो स्टेट को, राज्य को, सरकार ने, जो सेंटर है उसने बोला स्टेट को कि भैया जितना भी पैसा चाहिए आप लोग पैसा लो, फाइनेंस हम करेंगे आपको, पूरा पैसा लो, लेकिन ये नक्सल्स को रोकने में पूरा पूरा आप लोग जीजन लगा दो। ठीक है, अपने पुलिस फॉर्म जो ट्रूप्स है, पुलिस जो है उनको और भी ज्यादा मॉडर्नाइज करो। मॉडर्नाइज मतलब क्या? सुंदर सुंदर कपड़ा पहना के खड़ा कर देना है क्या? है ना, नहीं। मॉडर्नाइज इन द सेंस कि उनको और ट्रेनिंग दो, और ट्रेनिंग दो कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन लिमिट यूनिट। ठीक है, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स लाइक कोबरा कमांडर्स, ठीक है, एंड ग्रे हाउंड्स हैव बीन क्रिएटेड टू कैरी आउट टारगेटेड ऑपरेशंस अगेंस्ट नक्सल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सारा क्या है, स्टेप है, किसके थ्रू लिया गया बच्चों? आधुनिक हथियार देना, मॉडर्नाइज्ड, वही कह रही हूँ, और भी ज्यादा ट्रेंड करना। बहुत अच्छा ऐड किया विराट ने भी कि और भी मॉडर्नाइज्ड, मतलब कि और भी अच्छे, क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजाइज्ड वे में जो है आपको आर्म्स वगैरह, हथियार वगैरह प्रोवाइड करवाना, ठीक है, ताकि नक्सल से फाइट कर सके। और यहाँ पे देखो और भी कमांडर्स लाइक कोबरा कमांडर्स, ग्रे हाउंड्स, ठीक है, ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई किसको? वेरी गुड आफ्टरनून हनुमान कदम, कैसे हो आप? ठीक है, बहुत लेट आए बच्चों, आप लोग सभी लोग 1:30 को क्लास को ज्वाइन किया कीजिए, जिस दिन छुट्टी होगी मैं खुद बताऊंगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारा इनिशिएशन है किसके थ्रू? स्पेशल यूनिट, यानी कि स्पेशल यूनिट का, स्पेशल किसके लिए? नक्सल से लड़ने के लिए जो है लेके आए गए गवर्नमेंट के थ्रू, ये स्टेप लिया गया। ठीक है मैम, कुछ दिख नहीं रहा है स्क्रीन में, ठीक है, इसका PDF मैं आज जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, बट अब कोशिश करूंगी, अगर नहीं दिख रहा है तो कोशिश करूंगी कि हैंड रिटन नोट्स ना ही लाऊं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स मतलब अगर ज्यादा छोटा लिखती हूँ ना, शायद मैं हैंड रिटन नोट्स नहीं लाने का कोशिश करूंगी। ठीक है, ओके, अगर लाऊंगी भी तो थोड़ा बड़े लेटर में लिख के लाऊंगी। ठीक है, चलेगा बच्चों? ओके, देखो और मैं और जिसको हल्के में लेना है लीजिए, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ठीक है, फॉर प्रीलिम्स मैं फिर बता देती हूँ, नए नए जो बच्चे आए उनको भी बता देती हूँ। यहाँ से 2015 में
2018 में और 2020 में प्रश्न पूछा गया है। ये न्यूज में फिर आया है, द हिंदू के न्यूज में परसों, तो ये फिर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, अदर मेजर्स, इसके अलावा सरकार ने नक्सलवादी को रोकने के लिए और कौन कौन से जो है स्टेप्स लेके आए उसको भी समझेंगे, ठीक है। समाधान, ठीक है, समाधान का अपने आप में देखो मीनिंग है क्या है, देखो इसका जो लॉजिस्टिक मीनिंग है वो मैं लिखना भूल गई, बट कोई नहीं, इसका आप लोग एक बार चेकआउट कर रहे ना, समाधान का जो है ना अपना अपना एक एक्रोनिम है, वो एक्रोनिम मतलब एस फॉर समथिंग, ए फॉर समथिंग, मैं नाम भूल गई एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरा देखिए स्मार्ट पुलिस, स्मार्ट पुलिस का एक्रोनिम क्या है, एस से स्ट्रेटेजिक, एम से मैनेजमेंट, ए से ऑल्टरनेटिव और आर से रिस्पॉन्स, ठीक है, टी से टैक्टिक्स, ठीक है। ये स्मार्ट, स्मार्ट जो है ना स्मार्ट का एक्रोनिम है, मतलब कि मीनिंग है, ठीक है। स्मार्ट पुलिस जो है इनिशिएशन लेके आया गया, विच रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ डाटा ड्राइवन अप्रोचेस बाय पुलिस अथॉरिटीज, ठीक है। ये सारे वर्क क्यों किए गए, इतने 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 इनिशिएशन क्यों लाए गए इस तरह के, ताकि जो है जो नक्सल से उनसे भी तेजी तरीके में, यानी कि नक्सल से और भी स्मार्ट वे में, ठीक है, उनसे दो गुना आगे रहने के लिए ये सारा स्टेप्स लिया गया, किस तरह से उनको घेराव करके जो है हमें रिमूव करना है, ठीक है। अब आप सवाल ये उठता है कि इतना सारा इनिशिएशन तो हमने ले लिया, ठीक है, इतना सारा इनिशिएशन तो हमने ले लिया, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यह प्रश्न ये उठता है, तो क्या यहाँ पे इसके कोई फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ, बहुत परसेंटेज तक जो है ये नक्सल हमें कम होते हुए देखने को मिले। क्या लिख रहे हो हनुमान, आप वाला लिंक भेज दो, मनी क्लास शुरू हो गई है क्या, दो मनी क्या लिख रहे हो ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, उसके बाद देखो इसका प्रभाव, इम्पैक्ट्स ऑफ दिस मेजर्स, इस मेजर्स यानी कि जो सरकार ये समाधान, स्मार्ट पुलिस, ठीक है, स्पेशल यूनिट, ठीक है, ये सारा चीजें जो लेके आई, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, उसको समझते हैं। और ये नोट जो है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी आज, ठीक है। पहला देखिए, इन पास्ट 8 ईयर्स, ठीक है, वायलेंस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज डिक्लाइंड। ये सारे स्टेप्स जो आपने अभी पढ़ा ना बच्चों, आप अपने मेंस में भी लिख सकते हो अगर प्रश्न आया तो, समाधान के बारे में, स्मार्ट पुलिस, ठीक है, स्पेशलाइजेशन यूनिट जिसमें हमने अभी क्या कहते हैं कोबरा कमांडोज के बारे में पढ़ा, ये सारा मेंशन कर सकते हो। तो ये सारा जो गैप है, यानी कि जो दूरी थी लोगों के बीच में और सरकार के बीच में और नक्सल से लड़ने के लिए, ये सारा स्टेप्स लिया गया, ठीक है, स्टेप्स लिया गया, तो उससे फायदा क्या हुआ, ये देखने में को मिला कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है बहुत हद तक खत्म होने लगी, ठीक है। दूसरा देखिए बच्चों, रिडक्शन इन इंसिडेंट्स फ्रॉम 2013 से 2022, अगर 2013 से लेके 2022 का डाटा देखोगे बच्चों, तो लोगों का मरने का जो डाटा है वो देखिए, 2013 में जो है लोगों का मरने का डाटा जो है 397 है, यानी 397 लोगों का मृत्यु हुआ, जिसमें बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, पुलिस और उसके साथ साथ सिविलियंस यानी कि जो कॉमन पीपल है उनका भी डेथ देखने को मिला, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए आप 2022 का डाटा देखोगे तो सिर्फ 98 लोगों का जो है डेथ हुआ है, 98, ठीक है। तो अगर आप इस समय से लेके उस समय तक का डाटा अगर आप देखते हो 2013 से लेके 2022 तक का, तो टोटल प्रतिशत जो है 75%, कितना 75% घटाव, रिडक्शन देखने को मिला, ठीक है, रिडक्शन देखने को मिला किस चीज में बच्चों, नक्सल्स के, ठीक है, LW लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में घटाव देखने को मिला, यानी कि खत्म कर दिया गया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को, इतने हद तक खत्म कर दिया गया, ठीक है। 2013 में 397 लोगों की मृत्यु हुई और 2022 का देखोगी तो ओनली 98, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। उसके बाद देखिए, डेथ्स एंड कैजुअलिटीज, ठीक है, टू सिक्योरिटी फोर्सेस रिड्यूस्ड बाय 33% बाय 68%। बोला गया है कि जो डेथ्स होते थे ना किसके, सिक्योरिटी फोर्सेज यानी पुलिस फोर्सेज जो है, जो भी है उनका, उनके डेथ में भी घटाव देखने को मिला, रिडक्शन देखने को मिला किसके, पुलिस फोर्सेस के, कैसे, जो पुलिस फोर्सेस है पहले
जो है 68% तक जो है नक्सल से लड़ने जाते थे, नक्सल से जब लड़ने जाते थे पुलिस ऑफिसर्स, तो 68% पुलिस ऑफिसर्स की मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब वो डाटा घट के 33% हो गया है। यानी कि जब हमारे पुलिस फोर्स लड़ने जाते हैं नक्सल से तो मरते नहीं है, मारते हैं, ठीक है। और इसका कारण क्या है कि बहुत अच्छा जो हथियार वगैरह जो है बहुत ही मॉडर्नाइज करके दिया गया, जैसे कि स्मार्ट पुलिस के बारे में पढ़ा अभी आपने, ठीक है। और सरकार सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो पूरा पूरा फाइनेंस भी कर रही है कि भैया लो और जितना चाहिए आप जो है यूज करो पैसे, लेकिन जो पुलिस फोर्स है उनको और भी ज्यादा स्ट्रांग करो, ठीक है। अच्छे अच्छे और भी ट्रेंड जो फोर्स है उनको लेके आया गया, लाइक कोबरा कमांडोज अभी हमने पढ़ा ना। तो इसके कारण जो पुलिस फोर्सेस का मरने का जो डाटा है वो 68% से घट के 33% हो गया। गॉट इट स्टूडेंट, क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा पढ़ा रही हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है? हनुमान, विराट, मंचु, बीएडी, नताली, महक, रेणुका, बादल, मुस्कान यानी कि सलोनी, संध्या, संध्या है ना, सभी बच्चे, ठीक है ठीक है। और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने बच्चे आए हैं ना प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ओके। अगर आप लोग ही मैम की क्लास को अपलिफ्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बच्चों, है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? चलो, बोल मैं रही हूँ लेकिन चाय मैं तुम लोगों को पिला देती हूँ, ठीक है। ये लीजिए चाय, पीजिए सभी लोग, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है। अच्छा, लाइव चैट मुझे दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए। तो क्या हो गया? होल्ड 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 करो बच्चों, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए, उसके बाद ठीक है, व्हाट वर्क्स गवर्नमेंट शुड डू। अब पूछा गया कि सरकार को जो है कौन सा ऐसा काम जो है वो करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या काम करना चाहिए, ठीक है। लाइक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेसा, यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, एक्ट 1996। इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगी जब नेक्स्ट क्लास में करंट अफेयर्स, तो मैं यहाँ से ये वाला टॉपिक कवर कर दूंगी। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यूसीसी, यूसीसी के बारे में वो भी हम कवर करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि नोट्स में ना पढ़ाऊं, आपको डायरेक्टली पढ़ा दूं, ठीक है। डायरेक्टली देखो, नोट्स भी है यहाँ पे तो मैं आपको बगल में तो समझा ही दे रही हूँ, ठीक है। बाकी ये नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। और हाँ, पोल ओरिएंटेड मत होइए आप लोग, पोल ओरिएंटेड मत होइए प्लीज, ठीक है। थ्योरिकल पार्ट जो है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जो है मैं हैंड रिटन नोट्स नहीं लाऊंगी, डायरेक्टली आपको क्लास में समझा दूंगी, डायरेक्टली विदाउट नोट्स, ठीक है। तो वैसे कर लेंगे। और कल आप लोग सभी लोग 1:30 को पहुंच जाना, ठीक है, कल आप लोग 1:30 को पहुंच जाना। या क्या कहते हैं, या तो आपका हिस्ट्री का क्लास होगा कल, या फिर आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा क्लास, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो इसके बाद का जो है वो चीज़ें हम जो है आगे कवर कर लेंगे, पैसा क्या है, ठीक है, पैसा क्या है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, मुझे तो यहाँ 5 शो कर रहा है, मंचू 5 शो कर रहा है, 5 अभी 7, ठीक है। और विराट, मंचू और हनुमान और रेणुका, सलोनी, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं ना सभी लोग क्लास को आप लोग क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, ओके। तो देखिए, किसी को पता है कि पैसा क्या है? व्हाट इज पैसा? एनीवन नोज पैसा क्या है, जिसको हम पंचायत, कहाँ गया, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज बोलते हैं, एक्ट 1996, ठीक है। ये क्यों लाया गया, हाँ बताओ महक और विराट, बताइए बेटा,
पेशा क्या है थोड़ा बताइए, जल्दी जल्दी बता दीजिए जो भी लोग क्लास में जुड़ रहे हैं। पेशन? नहीं, आप लोग ना करंट अफेयर्स प्लीज किया कीजिए, ठीक है बेटा? बिना करंट अफेयर्स का आपका प्रिपरेशन आधा है। मैं पूछ रही हूँ पेशा, ठीक है? हाँ विराट, जरा आप बताइए बेटा। देखिए इसको क्यों लाया गया, ये लॉ है। देखिए इसको क्यों लाया गया, ये जो ग्राम सभा है ना, बेसिकली उसको बूस्ट करने के लिए लाया गया, ठीक है? किसको? पेशा को, ठीक है? अच्छा, एड्रेस टू द ग्राम गैप्स बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द गवर्नमेंट, यानी कि मैंने फिर बोला ना, सरकार और गवर्नमेंट जो पीपल है, विलेज के पीपल है, पिछड़े हुए जो पीपल है, उनके बीच का जो गैप है उसको फिल करने के लिए इस पेशा को लाया गया, ठीक है स्टूडेंट? उसके बाद देखिए, इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक इशूज फेस्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है? ये सारी जो प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करने के लिए पेशा को लाया गया, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं है, इसके बारे में। और देखो यूसीसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको यूसीसी पढ़ाऊंगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, न्यूज में आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके जीएस पेपर 2 से रिलेट करता है, ठीक है बच्चों? तो चलिए कोई बात नहीं है, कल के क्लास में, परसों जो है दोबारा करंट अफेयर्स लाऊंगी, वहां मैं आपको पेशा क्या है, ठीक है, पेशा, यूसीसी ये समझेंगे, और इसके साथ जो अवार्ड्स है ना, अवार्ड्स, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है? इसीलिए, और कल जो है आप लोग पीवाईक्यू करेंगे हम लोग, पीवाईक्यू विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक पीवाईक्यू नहीं कीजिएगा तो आपका प्रिपरेशन अधूरा है, ठीक है? तो कल के क्लास में हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है? परसों के क्लास में करंट अफेयर्स में पेशा, यूसीसी और अवार्ड्स, जितने भी अवार्ड्स हैं उसके बारे में हम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट? और सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्लास को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। अभी तक 3 लोगों ने ही लाइक किया है, बाकी सब क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी लाइक करो भाई, क्या हो गया है कि नहीं? जल्दी जल्दी लाइक कीजिए क्लास को, ठीक है स्टूडेंट? चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, और 1:30 बजे बिल्कुल तैयार हो जाना सभी लोग। देखती हूँ कितने बच्चे मेरे आते हैं क्लास में एकदम टाइम पे, कितने अटेंटिव हो आप लोग, ठीक है? लेट्स सी। चलिए कोई बात नहीं है, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है? अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, और पीवाईक्यू कल करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, वो भी अटेंड करना है आपको अच्छे से, ठीक है बच्चों? कुछ कह रहे हो आप लोग? और सभी लोग लाइक करते हुए जाना क्लास को, ठीक है बच्चों? क्लास को लाइक करते हुए जाना। चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है? और ये रहा बूम, ठीक है, मेरी तरफ से बूम बूम बूम, खूब खुश रहो और क्लास को लाइक करते जाना, शेयर करते जाना। चलिए मिलते हैं कल। मैंने बताया है पेशा के बारे में, सुनीता प्रसाद मैम जी के, क्या मेरे मैम जी के, हाँ ग्रुप ग्रुप के बारे में नहीं बताया ना मैंने, सॉरी। चलिए ग्रुप का देख लीजिए आप लोग बच्चों, ये जो है आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सभी बच्चे जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, यूपीएससी प्रिपरेशन विथ सुनीता, ठीक है? ग्रुप मैं ना इसका लिंक अटैच कर दूंगी, ये ग्रुप है हाँ, ये आप लोग ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का है, किसका है? टेलीग्राम का, और मैं वहां पे प्रश्न भी आज भेज दूंगी, ठीक है? चलिए मिलते हैं कल के क्लास में बच्चों, ठीक है? कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।